पहले मैं नीति शर्मा जी के पास चलूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास आऊंगा, क्योंकि फिर बहस को उधर ले जाना मुश्किल हो जाता है, झगड़ा इतना तेज हो जाता है। तो पहले एक तटस्थ बात आ जाए, फिर राजनीतिक लोगों के पास। नीति जी, हम देख रहे हैं कि जिसे कंपनी के शेयर नहीं होते तो उसकी लड़ाई होती है कि भाई कुछ शेयर हमारे नाम भी करो, नहीं तो हम सेबी में शिकायत करेंगे। भारत के कुछ राजनीतिक दल हिंदुत्व को, सनातन को, भारतीयता को, कोई भी शब्द कहिए, उसको बैंक अकाउंट जैसा समझ रहे कि भाई ठीक है 10,000 तुम्हारे पास तो 5 तो हमें दो। जबकि हिंदुत्व का भाव जब तक पार्टी में दिखेगा नहीं, जो बीत गई सो बीत गई, जो आगे चीजें हैं उनमें जब तक पार्टी का रुख वैसा नहीं दिखेगा जो भारतीयता से मैच करे, जो सनातन से मेल खाए, तो ठेकेदारी कैसे मिलेगी? केवल इस बात से तो नहीं मिल सकती कि मल्लिकार्जुन शिव का एक नाम है, खड़गे जी करे भाई इसी पे दे दो। नीति जी, अमिताभ जी बहुत बहुत नमस्कार पैनल में सभी गेस्टों को और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको आज धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान धनतेरस, धनवंतरी की कृपा आप सब पे बरसे, ऐसी हम कामना करते हैं। और आपके इस निमंत्रण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। राम रमेति रमे रामे मनो रमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानन। 1,000 विष्णु के नाम के बराबर अगर कोई नाम है तो राम है, और राम इस देश की आत्मा है। भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी के बाद जब दो जनसंघ बना था, जब दो उनके पास सीटें थी, और आज 303 का जो आंकड़ा यहां तक लाए, ये अपने कर्मों से और अपनी उस डेडिकेशन से लाए। राम तब भी इनके साथ था, राम इस देश की आत्मा में बसता है, जन्म से लेके मरण तक अंतिम यात्रा में भी अगर एक नाम निकलता है राम नाम सत्य है। बात करती हूँ विपक्ष की, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। बहुत पहले एक गाना आया था, ये बॉलीवुड की मूवी का एक गाना है, उसका एकदम से ये मुझे मुखड़ा याद आ गया कि ये वही लोग हैं, वही खड़गे साहब हैं जिनके पुत्र प्रियांक खड़गे साउथ से आवाज लगाते हैं कि सनातन जो है वो पक्षपात का एक धर्म है, हमको ये डेंगू और मलेरिया के समान है। इन्हीं के सहयोगी डीएमके के बोलते हैं कि इसका उन्मूलन करना है, समाप्त करना है। इन्हीं के सहयोगी स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं कि रामचरितमानस में जो है कि जाति का भाव है, जबकि शबरी के झूठे बेर भगवान राम ने खाए, मतलब केवट को गले लगाया। और उसके बाद हमारी संस्कृति में तो यत्र तत्र नारिस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, सीता और द्रौपदी के सम्मान के लिए लड़ गए, और ये आज इसको सियासी मुद्दा बना रहे हैं। राम कभी भी मैं नहीं समझती भाजपा के लिए सियासी मुद्दा है, ये आस्था का मुद्दा है, ये आत्मा का मुद्दा है, ये 140 जनसंख्या की उस संस्कृति का मुद्दा है जिसके वजह से आज इस देश की पहचान है। 500 वर्ष के घोर संघर्ष के बाद आज हम ये सौभाग्य सूचक देख रहे हैं कि अगर ये भी तो कोई काम कर लेते ना अमिताभ जी, ये भी अपने इनके अस्तबल के घोड़े जो हैं वो बीजेपी के अस्तबल में तो बैठे नहीं हुए थे, ये भी एक रथ यात्रा निकाल लेते लालकृष्ण अडवाणी जी की तरह, ये भी वो आंदोलन चला लेते। यही वो लोग हैं ना जो बोलते थे मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, कार सेवकों पे अंधाधुंध गोलियां चलाई। मैं अपनी, मेरे पिताजी गए थे सर उस समय, और उस समय कैसेट चलती थी, ये वीडियो कैमरास नहीं होते थे, तो सरयू की नदी में जो गली हुई लाशें कार सेवकों की निकली हैं, जो अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं, जो अत्याचार किया है, ये वही लोग हैं आज राम नाम का, आज वो मीठा गुड़ खाने राम राम नाम की लूट है, लूटिए जितना लूट सकते हैं। भगवान राम तो मुस्लिम के भी उतने हैं, सिख के भी उतने हैं, आपके भी उतने, हमारे भी उतने हैं, लेकिन आपने लाखों की फौज वकीलों की खड़ी कर दी कि राम मंदिर बने ना, आपने ताला लगा दिया। नीति जी अभी रुकना होगा, ठीक बने हुए रत्नाकर जी, कमलनाथ जी भी बहुत पुराने तपे तपाए नेता हैं, जितनी उम्र मल्लिकार्जुन खड़गे की उतनी कमलनाथ की भी है, वो भी आज के नहीं है, वो भी कह रहे भाई हमको भी क्रेडिट, कांग्रेस को भी क्रेडिट चाहिए राम मंदिर में, ताला हमने खोला था, चाबी लेके हम ही गए थे फैजाबाद अयोध्या। खड़गे जी बता ही रहे कि मेरा तो नाम ही शंकर है। मैं कहता हूं अयोध्या का तो चलो बीत गई सो बात गई, हो गया अयोध्या में, तुम अब तो मंदिर का लोकार्पण बचा है तो अब उसमें तो कार सेवा का अवसर नहीं है, लेकिन अयोध्या और विश्वेश्वर महादेव अभी बचे हैं इशू समाधान के लिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक प्रस्ताव पारित क्यों नहीं कर देती कि हम काशी में विश्वेश्वर महादेव का पुनरोद्धार
के पक्ष में खड़े हैं और मथुरा में जन्म स्थान पर कृष्ण के जन्म का के स्थान पर एक भव्य विशाल निर्वाध मंदिर के पक्ष में है। नहीं, ये तुरुप का पत्ता चल दीजिए, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा नाम मल्लिकार्जुन है। जय जय हो जाएगी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से गुजरात तक। रत्नाकर जी, भैया म्यूट का मामला कुछ है, देखिए आवाज का। जी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही, आ रही, आ रही। जी जी जी, मैं वही कह रहा था अमिताभ जी कि नीति शर्मा जी ने 4 मिनट बोला है, आप मुझे उम्मीद है कि उतना ही समय देंगे। जी बिल्कुल समय है, आप बात तो शुरू करो, अभी बात नहीं शुरू की, बोले समय देना यार, वकालत का कचहरी नहीं है ना ये। नहीं नहीं, हमारे लिए कचहरी है, जनता का दरबार है। जी खैर बताइए भैया, बताइए। जी जी अमिताभ जी, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर आरोप लगाती है और हिंदुत्व का ठेकेदारी अपने सिर पे लेकर के, और देश की जनता को यह बताना चाहती है कि भैया हिंदू का कल्याण करेंगे तो हम ही करेंगे, अगर दूसरा कोई रहेगा तो वो आपके बारे में सोचेगा भी नहीं। यही उनके पास एक मुद्दा है जिससे कि वह देश के लोगों को बांटो और राज करो की नीति लेकर चलते हैं, हिंदू बनाम मुसलमान, बहुसंख्यक की राजनीति करना है इनको। लेकिन कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलती है, मैं पहले स्पष्ट करना चाहूंगा, सबको लेके चलती है, हिंदुओं को भी, ईसाइयों को भी, सिख को भी, सबको लेकर चलती है। और यही कांग्रेस पार्टी है जिसने राम मंदिर के ऊपर अध्यादेश लाया था नरसिम्हा राव सरकार में, और यह टीका लगाए हुए फर्जी भगवाधारी लोग उस समय विरोध किए थे राम मंदिर बनाने के लिए। कानून के तहत नरसिम्हा राव ने सोचा कि रामलला का मंदिर जो है बन जाए, लेकिन इन्होंने रोक दिया उसको, अध्यादेश को पारित ही नहीं होने दिया, विरोध किया। और यही राजीव गांधी थे ना, लोगों ने पहली बार दर्शन अगर किया है रामलला का तो राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, तभी तो रामलला का दर्शन हुआ, तभी तो लोगों ने प्रभु श्री राम का दर्शन किया। और प्रभु श्री राम, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था कि अदालत ने ताला खुलवाने का आदेश दिया? सुन लीजिए, अरे सुन कैसे ले, गलत बात कैसे सुन लेंगे ना, अरे नहीं सुनेंगे, कतई नहीं सुनेंगे, कतई नहीं सुनेंगे, माफ करिए ना, प्रश्न का जवाब सुन लीजिए। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, आदेश राजीव गांधी ने दिया था या डिस्ट्रिक्ट जज ने दिया था फैजाबाद के, ये जानना चाह रहा हूं। शांति से आपने नीति जी की बातें सुनी जी, मेरे बाद भी आप मेरे बातों का एक्सप्लेनेशन अपने ढंग से करते हैं, लेकिन मेरी बातों को तो सुन लीजिए जी। कचहरी लगा है जी, बोलिए भैया। प्रभु श्री राम जो है वो आस्था, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। प्रभु श्री राम जो है ना वो राजनीतिक एजेंडा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी उनको राजनीतिक एजेंडा बनाने का काम करती है। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज ये कहते हैं कि हिंदुत्व के ठेकेदार बने हुए हैं, यही गोवा की सरकार है, यही गोवा की सरकार है ना, गोवंश जब गौ हत्या होती है गौ को, और जो गौ का बीफ एक्सपोर्ट होता है जो उसमें टैक्स लेने का काम कौन करता है, गोवा की सरकार करती है। इनके नेता भी कहते हैं कि नहीं भाई गाय के मीट खाना चाहिए, तो ये इनका दोहरा चरित्र है। जब वोट लेने का टाइम आएगा तो ये हिंदुत्व के ठेकेदार बन जाएंगे, राम के ठेकेदार बन जाएंगे इनको। और रही बात जो कांग्रेस पार्टी के योगदान की, एक और योगदान बताना चाहता हूं, राजीव गांधी का ही योगदान बताना चाहता हूं, बस लास्ट है जी। राजीव गांधी ने इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था को बनाए रखने के लिए रामानंद सागर को बुलाया और कहा कि एक ऐसा सीरियल बनाइए जिससे कि प्रभु राम का चरित्र, प्रभु राम के आदर्श लोगों तक जाए, जन जन तक जाए, लोग सीखे, ठीक है, रामायण से सीखे, जाने जी, ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है, ठीक है, रामायण बन गए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रामानंद सागर इस बात के, क्या आ गई बात, आ गई बाबू आ गई, इस तीन चार बातें हैं तथ्यात्मक रूप से सत्य नहीं है जो रत्नाकर भाई ने कही, उनको जरूर रखना होगा क्योंकि उन्होंने कह दिया ये अदालत है जनता की, तो तथ्य सही जाए। रामानंद सागर पर छोटी सी ये बात, रामानंद सागर अपने मुंह से कहे कि राजीव गांधी ने हमको बनवाई, ये सीरियल बनवाया, हमारा विचार नहीं था, तो क्रेडिट राजीव गांधी को मिलेगा, कम से कम सीरियल भर का तो मिलेगा, राम मंदिर का नाम मिले, सिनेमा का तो मिलेगा, ठीक। दूसरी बात, उन्होंने कही राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, नहीं, राजीव गांधी ने ताला नहीं खुलवाया, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश से ताला खुला, ठीक। ना ना रत्नाकर, नो नो, मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा, और चैनलों पर मैं, आप बोल लिए थे, आपने कहा बीच में मत बोलिए, मैं शांत था, अब नहीं, वो तथ्य गलत है रत्नाकर जी का।
ठीक, इसलिए वो आगे कहीं किसी चैनल पर जाएंगे तो उस तथ्य को दुरुस्त करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, उन्होंने कहीं नरसिंह राव मंदिर बनाने का अध्यादेश लाए थे, नहीं, जिस वक्त नरसिंह राव देश में प्रधानमंत्री थे मैं पार्लियामेंट को एक गंभीर पत्रकार के तौर पर कवर कर रहा था, रत्नाकर सिंह को जानकारी नहीं, अयोध्या का मंदिर बनाने के लिए भारत सरकार कोई अध्यादेश नहीं लाई सदन में नरसिंह राव की, पूजा स्थल विधेयक आया था स्टेटस को के लिए जो आज तक गले की फांस बनाए भारत में, ठीक, इसलिए यह तथ्य गलत, ऐसा कोई अध्यादेश नहीं आया था कि ये हम सदन में ये प्रस्ताव करते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जाए, इस पर वोट कर लो, नहीं, ये जानकारी अगर उनको है तो गलत है। दूसरी बात उन्होंने कही, तथ्य दुरुस्त रखेंगे क्योंकि तथ्य तो इतिहास में दर्ज हो गए, वो आज मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने से तो नहीं बदल सकते, ठीक, नहीं नहीं आपको आपके पास तथ्य नहीं ना रत्नाकर, तथ्य नहीं मित्र, तथ्य जानकारी दुरुस्त रखो, क्या विधेयक आया था ये तो पता हो मित्र, आप यही भूल गए हो। खैर, दूसरी बात उन्होंने कही, फिर मैं नितेंद्र भाई के पास जाऊंगा, उन्होंने कहा कांग्रेस सबको लेके चलती है, ठीक बात है, चलती ही होगी, चलना भी चाहिए, भारत में सबका वोट लेना तो, लेकिन प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस की एक कमेटी बनी है, प्रियंका जी बड़ी नेता हैं, उनके सलाहकार परिषद बनी है कांग्रेस में ऑफिशियल, उसके मेंबर हैं प्रमोद कृष्णम, प्रमोद कृष्णम माइक पर कह रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें राम के नाम से नफरत है, जिन्हें राम मंदिर से नफरत है, जिन्हें हिंदुत्व से नफरत है, और जो हिंदुत्व के संत महात्माओं को अपमानित करना चाहते हैं, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये प्रमोद कृष्णम बोल रहे हैं जो प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं, अजय राय के एडवाइजर नहीं है वो, अब प्रियंका जी से बड़ा तो फिर कोई नहीं, अभी वो कोई एडवाइजर नहीं, इसलिए नहीं तो उनको निकाल दो ना पार्टी से भैया, ठीक है। नितेंद्र भाई, मैं सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, बाइट आई थी उनकी, उनने कहा राम मंदिर सबका है, सपा का भी है, बिल्कुल ठीक बात है, सबका है क्या, लेकिन एक दिमाग में मेरे सवाल आया, चूंकि मैं उस वक्त कवर कर रहा था अयोध्या आंदोलन, इसलिए घटनाओं से थोड़ा गूगल के अलावा भी परिचित हूं, राम जन्म का भूमि का जो आंदोलन लोग कर रहे थे उसमें से किसी आदमी को सपा ने कभी माला पहनाई ऐसा कोई दृश्य नहीं आया मुलायम सिंह के कार्यकाल में, लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जितने खलीफा थे उनमें से अधिकांश सपा में थे, आजम खान भी उसी में थे क्या, और दूसरे अभी अल्लाह को प्यारे हो गए बगील साहब, वो भी थे, अब वो दोनों सपा के नेता थे, तब ध्यान नहीं आया कि थोड़ा इधर वालों को भी समझ लें, उधर मिठाई दे रहे इधर बताशा दे दें, नितिन भाई नहीं, अब कह रहे हो कि नहीं सबका है भाई साहब, सपा का भी है बसपा का भी है, बसपा ने सुझाव दिया था काशीराम जी ने कि बस शौचालय बना देना चाहिए पब्लिक टॉयलेट, नितिन जी बहुत अच्छी शुरुआत की अमिताभ जी, जी आपने दो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण की, यहीं से शुरू किया जाएगा कि यह सच है कि समाजवादी पार्टी कह रही राम सबके हैं, इनको सीमाओं में नहीं बांधा जाना चाहिए। एक बात बताइए, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में जो लोग थे वो तो चलिए समाजवादी पार्टी के नेता थे, ये राम जन्मभूमि के आंदोलन को जो लीड कर रहे थे उस किस पार्टी के नेता थे, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, ठीक बात है। अब ये अभी आपने तथ्य दिया कि ये जो राम जन्मभूमि ताला खुलवाने की बात थी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आर्डर था, वहां के जिला जज ने आर्डर दिया था, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है ये क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के आर्डर से राम मंदिर बन रहा है या योगी आदित्यनाथ के आर्डर से बन रहा है, ये भी तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से बन रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में फैसला क्या हुआ, फैसला ये हुआ कि ये जमीन राम मंदिर को दे दीजिए और बदले में मस्जिद के लिए इतने बीघे इतने एकड़ जमीन सरयू पार बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को दे दिया, एक शुद्ध समझौता हुआ। और जब आंदोलन हो रहा था तो नेताजी क्या कह रहे थे, नेताजी कहते खूब आंदोलन करो, खूब अयोध्या के आसपास चक्कर काटो, सब कुछ करो, लेकिन कोई तोड़ फोड़ विवाद मत करना, कहे सब एफिडेविट लेके गए थे कि हम वहां जाएंगे तो पहले हमें तोड़ेंगे, सबने कहा था कार सेवा करेंगे, शांतिपूर्ण व्यवस्था रखेंगे, और बाकायदा शांतिपूर्ण व्यवस्था में कोई रोक टोक थी क्या,
और उसका परिणाम है कि जो भी मुख्यमंत्री होगा संविधान प्रदत्त जो उसके पास अधिकार है संविधान की रक्षा करते हुए यथास्थिति मेंटेन करने की कोशिश करेगी। यही काम कल्याण सिंह जी बाबू नहीं कर पाए, उन्होंने बाकायदा दुख व्यक्त करते हुए एज ए मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिया। ठीक, क्या दिक्कत है? अब हिंदू और ये मुसलमान, क्योंकि ये संविधान देश की जो सरकारें होती हैं ये हिंदू मुसलमान से तो चलती नहीं है, वो तो संविधान से चलती है। और एक आप तो बहुत विद्वान आ रहे हैं और आपको तो बहुत लंबा अनुभव है, ये बताइए जब आरएसएस ने प्रस्ताव रखा था माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप एक प्रस्ताव ले आइए राम मंदिर निर्माण के लिए सदन में, तो माननीय मोदी जी ने कहा था कि देश की सरकारें मंदिर बनाने के लिए नहीं होती हैं, वो फैसला कोर्ट का आएगा, वो कोर्ट करेगा, मोदी जी ने साफ मना कर दिया था। आज ही बताइए, और एक लाइन में कंप्लीट करूं, आज जब माननीय न्यायालय का फैसला आ गया और वहां मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बना दी गई और ट्रस्ट जनता के पैसे की है, हजारों करोड़ रुपया जनता का पैसा आ रहा है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, और अयोध्या सौंदर्यीकरण में अंतरराष्ट्रीय राम कथा की गैलरी। ठीक है नितिन जी, ठीक है अभी रुकना होगा, ठीक ठीक बात है।